हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ माहिरीन गोनी। आई एम अ टीचर इन गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल निचला थड़ा। आज हम ज्योग्राफी के सेकंड चैप्टर को स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है फेडरलिज्म। स्टूडेंट्स, इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपके साथ एक कहानी शेयर करना चाहती हूँ। ये कहानी एक दूर गाँव की है जहाँ पर एक आदमी रहता था। उस आदमी का नाम था राम। उसके 6 बेटे थे, लेकिन वो अपने उन 6 बेटों को बिल्कुल पावर नहीं दी थी उसने घर के किसी भी डिसीजन को लेने की। हर डिसीजन राम खुद लिया करता था। कुछ भी काम करना हो वो खुद करता था। कोई भी डिसीजन, एवरीथिंग, किसी की शादी, किसी का कुछ लाना हो, एवरीथिंग, हर काम, हर डिसीजन राम ने अपने तक रखा था। अपने किसी भी बेटे को कोई भी राइट, कोई भी अधिकार नहीं दिया था। उसने कोई भी पावर अपने बेटों के साथ शेयर नहीं की थी। लेकिन उसी के पड़ोस में उसका एक दोस्त रहता था जिसका नाम था श्याम। श्याम जो है, उसके भी 6 बेटे थे, लेकिन उसकी सोच थोड़ी राम से डिफरेंट थी। उसने अपने बेटों को पूरा राइट दिया था कि वो डिसीजंस ले सके। हर डिसीजन वो लेने के लिए नहीं ले नहीं सकते थे, लेकिन कुछ डिसीजंस लेने का राइट उसने अपने बेटों को दिया था श्याम ने। आधे डिसीजंस उसने अपने पास रखे थे और आधे डिसीजंस उसने अपने बेटों में बांट दिए थे। इस स्टोरी से हम अब अपने इस टॉपिक को रिलेट करते हैं। जो राम की स्टोरी मैंने आपको सुनाई, जो सारे डिसीजंस खुद लेता था, अपने बेटों पे को कोई राइट नहीं दिया था, वैसा ही होता है यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, जहाँ पर सेंटर सारे डिसीजंस खुद लेता है और स्टेट को कोई भी राइट नहीं होता किसी भी डिसीजन को लेने का। और उसका जो पड़ोसी श्याम था, वो होता है हमारा फेडरलिज्म, जिसमें पावर जो है वो डिवाइड की जाती है स्टेट और सेंटर के बीच में, ठीक वैसे ही जैसे श्याम ने अपने और अपने बेटों के बीच में पावर को डिवाइड कर दिया था। चलिए अब अपने टॉपिक की तरफ मूव करते हैं। पिछले चैप्टर में हमने पावर शेयरिंग में क्या पढ़ा था, हमने बेल्जियम की एक स्टोरी पढ़ी थी, बड़ी इंटरेस्टिंग सी स्टोरी पढ़ी थी, जिसमें हमने ये पढ़ा था कि उन्होंने पावर को डिवाइड कर दिया था सेंटर और स्टेट के बीच में। कुछ सब्जेक्ट्स थे जिसपे सेंटर खुद डिसीजन लेता था और कुछ सब्जेक्ट्स पे थे जिनमें स्टेट खुद डिसीजन लेता था और उसको सेंटर से पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। स्टूडेंट्स, ये ही होता है फेडरलिज्म। बेल्जियम भी पहले यूनिटरी था और यूनिटरी से वो फेडरलिज्म की तरफ मूव कर गया। चलिए अब एक स्पेसिफिक सी डेफिनेशन देखते हैं फेडरलिज्म की। फेडरलिज्म इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द पावर इज डिवाइडेड इंटू डिफरेंट लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट। फेडरलिज्म क्या होता है? फेडरलिज्म वो सरकार होती है, उस तरह की सरकार होती है जिसमें जो पावर होती है उसको हम बांट देते हैं सरकार के अलग अलग लेवल्स पे, जैसे कि सेंटर और स्टेट के लेवल में हम डिवाइड करते हैं पावर को। इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, की फीचर्स हैं, 7 की फीचर्स हैं जिसको हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। फेडरलिज्म का पहला की फीचर है कि उसमें 2 या 2 से ज़्यादा लेवल्स होते हैं सरकार के, जिनके बीच में पावर जो है वो डिवाइड होती है। मैक्सिमम टाइम्स क्या होता है, 2 ही लेवल्स होते हैं, जैसे कि सेंटर और स्टेट। दूसरा इसका की फीचर ये है कि डिफरेंट लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट गवर्न द सेम सिटीजन्स, जैसे कि जो दिल्ली में रह रहे हैं, जो पंजाब में रह रहे हैं, उनको जो गवर्न कर रहे हैं, पंजाब को के लोगों को पंजाब की सरकार भी गवर्न कर रही है और सेंटर की गवर्नमेंट भी गवर्न कर रही है। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो कि लिखी हुई किताब है, इट इज़ अ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें सारा कुछ स्पेसिफाई करके दिया गया है, सब कुछ बताया गया है कि कौन सेंटर क्या काम करेगी और स्टेट क्या काम करेगी, किसकी पास कितनी पावर है। अगर कोई भी बदलाव यानी कि अमेंडमेंट लाना होगा हमें कॉन्स्टिट्यूशन में, तो उसको लाना सिर्फ सेंटर के हाथ में नहीं है, लेकिन सेंटर स्टेट दोनों का कंसेंटमेंट, मेजॉरिटी होनी चाहिए। अब सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू की बात करते हैं। पैसा कहाँ से आएगा, ये सब भी स्पेसिफाई किया गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कि सेंटर फंड्स कहाँ से लाएगा और स्टेट फंड्स कहाँ से लाएगा। कोर्ट्स जो होते हैं, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट,
हाई कोर्ट्स, इनके पास पावर होती है गवर्नमेंट के हर लेवल की पावर को डिफाइन करने की, इंटरप्रेट करने की। और इसका लास्ट की फीचर जो कि सेवन्थ की फीचर है वो ये है, एक आइडियल फेडरल सिस्टम वो होता है, एक सही फेडरल सिस्टम वो होता है जिसमें दो बातें हों, एक तो म्यूचुअल ट्रस्ट, आपस में विश्वास होना सेंटर और स्टेट को, अग्रीमेंट टू लिव टुगेदर, एक बात होना कि हम इकट्ठे रहने के लिए तैयार हैं, देर इज़ नो फाइट, नथिंग लाइक दिस। चलिए अब बात करते हैं रूट्स टू एस्टेब्लिश फेडरलिज्म। फेडरलिज्म को हम एस्टेब्लिश कैसे कर सकते हैं, इसके दो तरीके होते हैं। एक तो हो गया कमिंग टुगेदर फेडरलिज्म, जिसका मतलब ये है कि अलग अलग स्टेट्स जब आपस में ज्वाइन करती हैं, एक कंट्री बनती हैं, उसको बोलते हैं कमिंग टुगेदर, यानी कि इकट्ठे आ जाना। दूसरा हो गया होल्डिंग टुगेदर फेडरलिज्म, जैसे कि जिसमें अलग अलग स्टेट्स जो हैं, कंट्री की अलग अलग स्टेट्स जो हैं आपस में कंबाइन होती हैं, होल्ड होती हैं फेडरलिज्म के लिए। कमिंग टुगेदर की एग्जांपल है यूएसए, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, और होल्डिंग टुगेदर फेडरलिज्म की एग्जांपल है इंडिया, स्पेन, बेल्जियम। नाउ व्हाट मेक्स इंडिया अ फेडरल नेशन, इंडिया को ऐसी क्या चीज़ बनाती है जिससे हमें ये पता चलता है कि ये फेडरल नेशन है। इंडिपेंडेंस के बाद जो कॉन्स्टिट्यूशन बना गया था, जो 1947 में जो कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर हुआ था, उसमें इंडिया को यूनियन ऑफ स्टेट्स कहा जा गया था। फेडरलिज्म का तो नाम ही नहीं था, लेकिन यूनियन ऑफ स्टेट्स में सारे के सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो हमें स्पेसिफाई करते हैं कि इट इज़ फेडरल। इन द वेरी बिगिनिंग इंडिया के जो है दो पार्ट्स थे, दो लेवल्स थे, एक सेंट्रल गवर्नमेंट था और एक स्टेट गवर्नमेंट था, जिसको हम टू टायर सिस्टम बोलते थे। उसके बाद एक और टायर ऐड कर दिया, जिससे हमने थ्री टायर सिस्टम नाम डाल दिया इसका, और उसमें आ गया हमारा पंचायत, जो विलेज का एडमिनिस्ट्रेशन देखता था। ये तो हो गया टायर्स का, ये तो लेवल्स में डिवाइड कर दिया। अब पावर डिस्ट्रीब्यूशन, पावर भी हमने तीन पार्ट्स में डिवाइड किया, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्क्यूरेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट में वो सब्जेक्ट्स आते हैं जो नेशनल इम्पोर्टेंस के हों, इसको कंट्रोल करता है हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट। इसमें कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट्स आते हैं, बैंकिंग, करेंसी, डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स वगैरह वगैरह। फिर आ जाता है हमारा स्टेट लिस्ट, इसमें वो सब्जेक्ट्स आते हैं जो स्टेट से रिलेटेड हों, जिनको स्टेट गवर्नमेंट कंट्रोल करती है। इसमें आ जाता है इरिगेशन, पुलिस, एग्रीकल्चर। फिर आ जाता है हमारा कॉन्क्यूरेंट लिस्ट, कॉन्क्यूरेंट लिस्ट में वो सब्जेक्ट्स आते हैं जो दोनों से रिलेटेड हों, सेंटर से भी और स्टेट से भी। इसमें कॉमन इंटरेस्ट वाली चीज़ें आ जाती हैं, और इसको दोनों गवर्नमेंट्स जो हैं, दोनों लेवल की गवर्नमेंट्स जो हैं वो कंट्रोल करती हैं। इसमें आ जाता है एजुकेशन, एडॉप्शन, मैरिज। एक इंटरेस्टिंग बात है यहाँ पे कॉन्क्यूरेंट लिस्ट में जो आपको याद रखनी है, कि अगर कोई क्लैश हो जाए किसी भी सब्जेक्ट को लेके इन बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, उस टाइम पे यूनिटरी बायस हो जाता है, यानी कि सेंटर के पास पावर आ जाती है डिसीजन लेने की। नाउ स्टूडेंट्स, ये सब तो था हमारे स्टेट्स के बारे में। आपको पता है हमारे पास यूनियन टेरिटरीज़ भी हैं, ये वो होती हैं जो स्टेट्स नहीं होती, जो अभी तक स्टेट्स नहीं बनी है। इसका रीज़न या तो ये हो सकता है कि ये बहुत छोटी हैं जिनको हम स्टेट नहीं बना सकते, या तो इतनी बड़ी हैं कि हम इसको किसी के साथ ज्वाइन नहीं करवा सकते। इसके अलावा भी एक्चुअल में सेंटर के पास ही राइट होता है, जुरिसडिक्शन होती है ये बताने के लिए कि कौन सी स्टेट है और कौन सी यूनियन टेरिटरी है। आपको पता है हमारा जम्मू कश्मीर भी पहले स्टेट हुआ करता था, एक स्पेशल कॉन्स्टिट्यूशन था हमारा, जो कि अब ख़त्म हो चुका है। अब हमारा स्पेशल कॉन्स्टिट्यूशन बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, जो आर्टिकल 370 में आता था। अब जम्मू कश्मीर को दो यूनियन टेरिटरीज़ में डिवाइड कर दिया है सेंटर ने, लद्दाख और जम्मू एंड कश्मीर। और इन यूनियन टेरिटरीज़ को कौन देखता है, सेंटर देखता है। इसमें कोई भी स्टेट गवर्नमेंट नहीं होती, इनकी कोई अपनी गवर्नमेंट नहीं होती, इसको डायरेक्ट सेंटर खुद एडमिनिस्टर करता है। नाउ हाउ इज़ फेडरलिज्म प्रैक्टिस, फेडरलिज्म को हम प्रैक्टिस में कैसे लाते हैं, इसको हम इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं।
कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस जो हैं वो हमारे पास हैं, जो बहुत ही ज़रूरी हैं किसी भी फेडरलिज्म को इम्प्लीमेंट करने के लिए, लेकिन ये काफ़ी नहीं है। इम्पॉर्टेंट क्या है फेडरलिज्म को प्रैक्टिस करने के लिए? नेचर ऑफ डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स, हमारे डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स का नेचर क्या है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है फेडरलिज्म को इम्प्लीमेंट करने के लिए। लेकिन इंडियन पॉलिटिक्स जो है इसको काफ़ी सारे चैलेंजेस को फेस करना पड़ता है। सबसे पहले तो आपको पता है ये हमारी कंट्री बहुत वास्ट है, ज्योग्राफिकली भी, कल्चरली भी, लैंग्वेजेस, रिलीजन बहुत ज़्यादा वास्ट है। तो इट वाज वेरी डिफ़िकल्ट टू मेक स्टेट्स, फॉर्मेशन ऑफ स्टेट्स जो था वो बहुत डिफ़िकल्ट था। तो फाइनली जो फॉर्मेशन ऑफ स्टेट्स है वो इसके लिए काफ़ी सारी कमेटीज बिठाई गई। फाइनली जो स्टेट्स बनाई गई वो बनी ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, यानी कि एक लैंग्वेज के लोग जो हैं उनको एक स्टेट में रख दिया गया, जैसे कि आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, तेलंगाना वगैरह वगैरह। लैंग्वेज पॉलिसी जो है ये बहुत मेजर चैलेंज था। हिंदी को जो है ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया गया, लेकिन कोई भी नेशनल लैंग्वेज नहीं बनी। कॉन्स्टिट्यूशन ने हिंदी के अलावा और 21 लैंग्वेजेस को रिकॉग्नाइज़ किया और जिनको शेड्यूल लैंग्वेजेस बना दिया, यानी कि हमारी कितनी शेड्यूल लैंग्वेजेस हैं, 22 शेड्यूल लैंग्वेजेस हैं। और ये जो हमारी फॉर्मेशन हुई हमारी स्टेट्स की ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, ये बहुत सक्सेसफुल रही। इससे बहुत ज़्यादा पीस रहा और इससे एडमिनिस्ट्रेशन करने में भी बड़ी आसानी आई। कुछ ऐसी स्टेट्स थी जिनको हम ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज डिवाइड नहीं कर सकते थे, उनको हमने ज्योग्राफिकल बेसिस पर डिवाइड किया, जैसे कि झारखंड हो गया और उत्तराखंड हो गया। अब आइए सेंटर और स्टेट का रिलेशन देख लेते हैं। इंडिपेंडेंस के बाद इंडिया जो है, इंडिया आपको पता है कि कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया इंडिया को आज़ाद करवाने के लिए। इट वाज द ओनली पॉलिटिकल पार्टी विच डिड ऑल दिस। तो इसलिए इंडिया काफ़ी लंबे टाइम तक कांग्रेस ही रूल करती रही इंडिया पे। इससे क्या हुआ, स्टेट्स में भी कांग्रेस रहा, सेंटर में भी कांग्रेस रहा। इससे क्या हुआ, जो कांग्रेस था, जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी, उसने बहुत ज़्यादा डोमिनेट किया स्टेट गवर्नमेंट को। लेकिन 1989 में के बाद क्या हुआ, आपको पता है 1989 में पहली बार कोलिजन गवर्नमेंट फॉर्म हुई थी। कोलिजन गवर्नमेंट क्या होती है? कोलिजन गवर्नमेंट होता है जब एक सरकार को, एक पॉलिटिकल पार्टी को मेजॉरिटी से ना जीते तो उनको क्या करना पड़ता है, किसी दूसरी दो या तीन या एक पार्टी, एक और पार्टी के साथ हाथ जोड़ के मल्टी पार्टी बनानी पड़ती है जिससे वो गवर्नमेंट चला सके मिलजुल के। और इससे क्या हुआ, इंडिया जो है फेडरल कंट्री, बहुत ही स्ट्रॉन्ग फेडरल कंट्री बन गया। कैसे बन गया? क्योंकि जब अलग अलग डाइवर्स सेक्शन के लोगों को मौका मिला गवर्नमेंट चलाने का सेंटर में, स्टेट में, तो इससे सबको मौका दिया गया अपनी बात रखने का। और इससे क्या हो गया, हमारा सेंट्रल स्टेट रिलेशन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया। इसके साथ हमारा आज का लेक्चर ख़त्म होता है, कल हम इस चैप्टर को कम्प्लीट करेंगे। थैंक यू सो मच।